बूढ़े क्या कर रहे हैं भाई? ये हो रहा है भाई इधर काम। सो वी आर एट चांगला। ये देख रहे हो भाई, पूरी स्नो है। अपनी गाड़ी चल नहीं रही थी तो भैया धक्का दे रहे हैं। थैंक यू ब्रो। तो भाई आपका भाई आ गया है पैंगोंग लेक में। चलिए सर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। और ये देखो मेरा रूम, 4 कंबल उड़े हैं मैंने तब जाके नॉर्मल हुआ हूँ, ये ऐसे फैला हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते बाहर का व्यू। देखिए यहां पर मैं रुका था, ये वाला मेरा रूम है और वो मेरी पैंथर है। नजारे कुछ ऐसे है भाई पैंगोंग के। तो भाई साहब जी, हम पहुंच गए पैंगोंग लेक। गुड मॉर्निंग आप सभी को पैंगोंग लेक से। सो रात की इतना थक गया था कि कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया जगह है यार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फोटो कहाँ खिंचवाएंगे हम, जल्दी से देखो रे भाई, फोटो कहाँ खिंचवाए। देख लो आपका भाई चल कहाँ रहा है, पैंगोंग लेक के पास में। ओके इधर रास्ता बंद है। वाह भैया, ये गाड़ी अंदर लेके जाना है। नहीं जा सकते सर। क्यों? इसे तो बंद किया हुआ है, खराब हो जाता है। अच्छा चलो भाई यही फोटो खिंचवा लेते हैं अपन ये जगह पे। तो देख लो हमारी गाड़ी खड़ी है कहाँ। तो भाई आपका भाई आ गया है पैंगोंग लेक में, और यहाँ पर अपन कल रात को आए थे। मज़ा आ गया यार, अद्भुत सी जगह है, अद्भुत सी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये सर हमारा वीडियो ले रहे थे, और ये देखो अद्भुत है भाई, अद्भुत। वो देखो झील में सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो कितना मस्त चमक रहा है। और उधर है स्नो माउंटेन्स, और इधर है पूरे के पूरे कैंप्स। बहुत ही डिसेंट रेट पे आपको यहाँ मिल जाएगा। देख रहे हो ऐसा चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है यहाँ पर, जो भी होम स्टेज हैं। तो भाई पैंगोंग लेक, ओके बाय बाय, अच्छा लगा यहाँ आके, इट वाज अ नाइस प्लेस। अब निकलते हैं अपन लेक की ओर। ले जाने के रास्ते में हमारे सामने आने वाला है द माइटी चांगला, जो कि टफेस्ट रोड कहा जा रहा है। अब देखो क्या होता है। ये देखो कितना सुंदर है, ये हमारी पैंथर की कृपा है जो हम यहाँ तक आ पाए। ये देखो बर्फ है ये पूरी, और कल तो स्नोफॉल भी हो रहा था। बाप रे मजा आ गया लेकिन कल। ये देखो हमारे देश की शान, तिरंगा। वाह यार। तो भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10, और मैं निकल चुका हूँ ले के लिए। देखो कितने सुंदर पहाड़, क्या मस्त नज़ारे भाई पैंगोंग से वापस जाते समय। कल रात को मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया, शूट इसीलिए नहीं करवाया, क्योंकि इतनी ठंड थी, शाम हो गई थी। बट अब थोड़ा अभी भी ठंड है, लेकिन क्या सनलाइट पड़ रही है तो ठीक ठीक लग रहा है।
ऑसम रोड्स यार, बट यार वो होंडर से आने वाला जो रोड था ना वो हॉरिबल था। ये हमारी पैंथर, यही है पश्मीना भेड़, देखो। ए भाई दरा देख के चलो। टांग से 17 किलोमीटर और है, तो भैया लोग वीडियो बना रहे हैं अपनी, वो देखो सामने। क्यों भाई साहब, आप लोग नहीं होते तो मेरी इतनी अच्छी वीडियो बनती कहाँ। बहुत सारे बाइकर्स ग्रीटिंग्स देते हुए जा रहे हैं और नज़ारे ऐसे हैं भाई, देख लो। तो ये भाई लोग अपने मिले दिल्ली से, ये भैया जो है ना, ये भैया होम सिकनेस हो गई थी इनको, और ये तो इनको जानते हो मनोज भैया ना, हम लोग कल रात के फुल एंजॉय किए। भैया आपका नाम? गिरीश योगराज। और उनका गुजराती भाई। तो भैया लोग से मिला, बहुत मज़ा आया। और बताइए, चलें? तो ये है दुर्बुक का मेन चौक, अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं लेफ्ट, तो चलिए चलते। ले यहाँ से है 110 किलोमीटर्स। अपनी गाड़ी चल नहीं रही थी तो भैया धक्का दे रहे हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच यार। We made it, भाई। चांगला, उत्तरी। तो भाई अपनी पैंथर पहुंच गई है चांगला पास। वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद। चांगला पास में ले जाने का पूरा श्रेय जाता है हमारे भाव को। भाव थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो। चांगला 176.88 feet altitude, और इधर है चांगला बाबा का मंदिर, और ये रही अपनी पैंथर, और ये रहे अपने भाव। इनकी हेल्प से ही मैं चांगला पास किया हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता। बहुत हेल्प की इन्होंने। और नज़ारे ये देखो, पहाड़ी पहाड़ है, मज़ा आ जाएगा भाई। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मेरी पैंथर चांगला पास में खड़ी है।
रोड तो ठीक है ना सर, लेकिन ढलान तो कुछ नहीं है। रोड तो ठीक है ना आप? थोड़ा आगे बढ़ रिपेयर हो रहा है। कैसे लाया हूँ मैं ही जानता हूँ, आप देख तो रहे हो रोड कैसे है। और खड़ी चढ़ाई एक जगह तो सर मैं रो दिया था कि जा नहीं पाऊंगा मैं, मेरे को वापस पीछे जाना पड़ेगा, तो माँ दुर्गा का ध्यान किया और देखो माता का आशीर्वाद। चलिए सर, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए भाई साहब, चांगला से जाने का टाइम आ गया। अब पूरी की पूरी ढलान है, कुछ 10 किलोमीटर रोड ऐसे ही है। चलो आपको मैं जब अच्छी रोड मिलेगी ना तब आपसे मिलता हूँ। ये देख रहे भाई, पूरी स्नो है जो पिघल रही है धीरे धीरे ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर देखो। और चांगला से उतरा हूँ कि जियो का नेटवर्क आ गया, वाह वाह। तो चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, ये करीब 8-10 किलोमीटर ऐसी सड़क है। ये जो जगह देख रहे हो ना आप, इस जगह को कहते हैं जिंगराल, वो लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, नाम एकदम गजब है भाई, जिंगराल। जल्दी से कारू फिर वहाँ से ले जाना है, नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे, भूख भी लगी है, कुछ खाने को मिलेगा तो तुरंत मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। 4K एकदम, ये हो रहा है भाई इधर काम, देखो काम चल रहा है बीआरओ का। कैमरे का नाम है सर गोप्रो, ना ना कंपनी, हाँ गोप्रो, आगे मॉडल मॉडल गोप्रो हीरो 7। वो पूरा ऐसे जाना है अभी अपने, और पीछे कर ले भाई। चलो भाई अब अपन इस ट्रक के पीछे हो लेते हैं, क्या है इसका चक्का रोड पूरा बना देगा ना। क्या हुआ सर जी, वाह वाह बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, इसको बोलते ऑफ रोडिंग समझे, ये है असली ऑफ रोडिंग। ताजा ताजा सड़क बनी और हमने गाड़ी दौड़ा दी, वाह वाह जी वाह। ये लोग रुकवा लिए, एक फोटो क्लिक करना है बोल करके, तो चलिए भाई फोटो क्लिक करवाते हैं अपन। मतलब अकेले आए? हाँ अकेले आए, मास्क ये ग्लव्स भी पड़ गए। हाँ जी तभी देखा ना, मतलब पहले तो देखा ना ये सड़क में ये घोड़े क्या कर रहे हैं भाई, डर गया मैं तो, खूकू खूकू कर रहे। ले यहाँ से है 44 किलोमीटर और मैं इस वक्त हूँ शक्ति नाम के गांव में। लो जी भाई साहब हम पहुँच गए हैं खारू, अब खारू से आगे जाना है अपने को, लेकिन यहाँ पहले कुछ खाने का देखते हैं, खाना खाने के बाद ही आगे बढ़ूँगा मैं, ऐसे नहीं बढ़ने वाला।